हेलो दोस्तों, मैं शिवम कोटेचा, मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम महा कंपेयरो करेंगे टाटा योद्धा 2.0 वर्सेस महिंद्रा बोलेरो 2.0। वहीं आपको महिंद्रा बोलेरो में दो वेरिएंट मिलते हैं, एलएक्स और वीएक्सआई। वहीं आपको टाटा योद्धा में सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है। वहीं महिंद्रा बोलेरो की एक शोरूम प्राइस है 9,99,000। वहीं टॉप मॉडल की कीमत है 10,33,000 एक शोरूम। वहीं योद्धा की एक शोरूम प्राइस है 9,99,000। वहीं आपको बोलेरो पे वारंटी मिलती है 3 ईयर 1,00,000 किलोमीटर की। वहीं आपको टाटा योद्धा में वारंटी मिलती है 3 ईयर 3,00,000 किलोमीटर की। वहीं अगर आप बोलेरो का टॉप मॉडल VXI लेते हैं तो उसमें आपको IMX टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो आपको योद्धा में नहीं मिल पाती है। और योद्धा की सर्विस 20,000 किलोमीटर पे होगी। वहीं बोलेरो की भी सर्विस 20,000 किलोमीटर पे होगी। तो चलो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। अगर आप बोलेरो का टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप मिलता है, जो आपको टाटा योद्धा में नहीं मिल पाता है। वहीं टाटा योद्धा में आपको 3-पीस मेटल का बम्पर मिलता है। अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो आप अलग अलग पार्ट बदल सकते हैं उसमें, और इसमें पूरा बम्पर मेटल का मिलता है। तो चलो साइड की बात कर लेते हैं। वहीं बोलेरो में आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे। वहीं आपको टाटा योद्धा में भी 16 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे। वहीं बोलेरो में आपको फ्रंट में 7 कमांडी पाटे और रियर में 10 कमांडी पाटे मिलते हैं। और बोलेरो के रियर के कमांडी पाटे आपको एक्सेल के ऊपर मिलते हैं। वहीं आपको टाटा योद्धा में फ्रंट में 6 कमांडी पाटे और रियर में 9 कमांडी पाटे मिलते हैं। और टाटा योद्धा का प्रोपेलर शाफ्ट आपको लाइफ टाइम ग्रीस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और दोनों में ही फुट स्टेप मिल जाता है। और वहीं आपको बोलेरो में 60 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। वहीं आपको टाटा योद्धा में 45 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है, और दोनों में ही साइड प्रोटेक्शन मिल जाता है, और दोनों में ही ऐसे चारकोर हुक भी मिल जाते हैं। तो चलो रियर की बात कर लेते हैं। वहीं आप बोलेरो का टॉप मॉडल VXI लेते हैं तो उसमें आपको LED टेल लैम्प मिलते हैं। वहीं आपको टाटा योद्धा में हेलोजन टेल लैम्प मिलते हैं। और टाटा योद्धा और बोलेरो दोनों में आपको रियर प्रोटेक्शन गार्ड मिल जाता है। वहीं आपको योद्धा में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और बोलेरो में भी 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो चलो अब डाले की लंबाई, लोड कैपेसिटी और चौड़ाई में आपको बता देता हूँ। वहीं आपको बोलेरो में 10 फीट लंबा डाला मिलता है और 5.9 फीट चौड़ाई मिलती है। वहीं आपको टाटा योद्धा में 8.7 फीट लंबा डाला मिलता है और 6 फीट की चौड़ाई मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोलेरो का डाला लंबा मिलता है और योद्धा का डाला चौड़ा मिलता है। तो चलो आप दोनों के इंटीरियर देख लेते हैं। वहीं आप बोलेरो का टॉप मॉडल VXI लेते हैं तो उसमें आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी, जो आपको टाटा योद्धा में नहीं मिलती है। और इसमें आपको 1+2 की पार्सिंग मिल जाती है। वहीं आपको टाटा योद्धा में भी 1+2 की पार्सिंग मिलती है। बोलेरो में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। वहीं आपको टाटा योद्धा में एनालॉग मीटर मिलता है। वहीं आपको बोलेरो में गियर शिफ्ट एडवाइजर मिल जाएगा। वहीं आपको टाटा योद्धा में भी गियर शिफ्ट एडवाइजर मिल जाएगा। आपको बोलेरो में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। वहीं आपको टाटा योद्धा में भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। वहीं आपको बोलेरो में ब्लोअर मिलता है। वहीं आपको टाटा योद्धा में AC मिल जाएगी। और आपको बोलेरो में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं आपको योद्धा में भी 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं आपको बोलेरो में बैटरी कट ऑफ की स्विच मिलती है। वहीं आपको टाटा योद्धा में भी बैटरी कट ऑफ की स्विच मिलती है। वहीं आपको बोलेरो में इको मोड नहीं मिलता है, लेकिन आपको टाटा योद्धा में इको मोड मिलेगा। तो चलो अब इंजन देख लेते हैं। वहीं आपको महिंद्रा बोलेरो में इंजन मिलता है M2 DI 4 सिलेंडर 2523 cc 80 bhp और 220 Nm। वहीं टाटा योद्धा में इंजन मिलता है DI 4 सिलेंडर 2200 cc 100 bhp और 250 Nm। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन दोनों पिकअप में से आपका कौन सा फेवरेट पिकअप है। वंदे मातरम।